हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग भिंडी फ्राई बनाएंगे। उसके लिए मैंने भिंडी को पहले धो के और इस तरह से काट लिया है। आप जब भी भिंडी बनाओ पहले भिंडी को धोना है, फिर उसके बाद आप काटना है। आप काट के उसको पानी में मत डालो। और भिंडी फ्राई बनाने के लिए मुझे चाहिए ओनियन। मैंने एक बड़ा ओनियन इस तरह से काट दिया है और एक टमाटर मैंने इस तरह से काटा है और ये मैंने ग्रीन चिली इस तरह से काटा है। और हम लोग का भी बनाना शुरू करते हैं। मैंने पैन लिया है और उसको गर्म करने के लिए डाल दिया है और इसमें मैंने 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डाला है। यहाँ पे ऑयल गर्म होने के बाद उसमें हमें पंचफूरन डालूंगी। अगर आपके पास पंचफूरन नहीं है तो आप सिर्फ नॉर्मल जीरा यूज कर सकते हो। अभी मेरा ऑयल गर्म हो गया है तो मैं इसमें पंचफूरन डाल दे रही हूँ। फिर इसमें हम लोग भिंडी डाल देंगे। फिर इसमें हम लोग ओनियन और ग्रीन चिली डालेंगे। फिर स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे। हल्दी आप 1 स्पून ले सकते हो। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। मिक्स करके हम लोग इसको छोड़ देंगे। हम लोग उसको फिर 1 मिनट में 1 मिनट के बाद फिर से इसको मिक्स करेंगे। हम लोग भिंडी आधा थोड़ा पकने तक हम लोग उसको ऐसे मिक्स करते रहेंगे। उसके बाद इसमें हम लोग टमाटर डालेंगे। आप मैं इसको कवर नहीं कर रही हूँ, आप भी इसको कवर ना करें। कवर करने से भिंडी ज़्यादा पक जाता है और उसका जो स्टिकी है वो नहीं जाता है, तो आपको खाने के टाइम अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए आप उसको बिना कवर किए लो फ्लेम में या मीडियम फ्लेम में आप इसको पकाते रहे। अभी जो मेरा भिंडी है हाफ फ्राई हो गया है और इसका जो स्टिकीनेस है वो भी चला गया है, तो इसमें हमने अभी टमाटर डाल देंगे। फिर इसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर देंगे। हम लोग इसको थोड़ी देर के लिए पकाने के लिए छोड़ देंगे। हम लोग इसको तब तक पकाएंगे जब तक मेरा टमाटर अच्छे से पक जाएगा और मेरा भिंडी अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो अभी ये थोड़ा टाइम लगेगा। हम इसको बीच बीच में आप मिक्स करते रहो और चेक करते रहो कि आपका टमाटर जैसे मिक्स हो जाएगा। मैंने अभी भी कवर यूज नहीं किया है, तो मतलब लाइक आप चाहो तो यूज कर सकते हो कवर, बट कवर यूज करने से जो भिंडी ज़्यादा पक जाता है और उसका स्टिकीनेस जो है वो जाता नहीं है, इसीलिए मैंने कवर यूज नहीं किया है। तो इसलिए हम लोग इसको थोड़ा देर तक और पकाएंगे। आप अभी ये देख सकते हो मेरा भिंडी अच्छे से फ्राई हो गया है और टमाटर भी अच्छे से मिक्स हो गया है। तो ये मेरा अभी भिंडी फ्राई बन गया है। अभी हम लोग इसको रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं और राइस के साथ भी इसको खा सकते हैं। आप डेफिनेटली ये घर पे ट्राई करना और कमेंट सेशन में जरूर आपका फीडबैक देना कैसा लगा आपको। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।